हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी इरा। गाइस, मॉनसून वेदर चल रहा है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है वेदर में। इस वजह से हमारी स्किन को कभी तो बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑयल का इश्यू हो जाता है, कभी वो एक्सेस ड्राई हो जाती है। और अगर हम बाहर जाते हैं, वर्किंग वुमेन है या कहीं मार्केट में जा रहे हैं, तो हमारी स्किन की बहुत ज़्यादा बैंड बच जाती है। इसीलिए मैं आज आपके लिए बिना किसी तामझाम किए बहुत ही टू ईजी सिंपल एक्सफोलिएशन और मॉइस्चराइजिंग मास्क लेकर आई हूँ, जो मुश्किल से आप 2 मिनट्स में रेडी करके 15 मिनट्स में यू आर गुड टू गो। आइए देखते हैं उन वीडियोज़ को। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सफोलिएटिंग मास्क बनाने के लिए यहाँ मैंने कॉफ़ी पाउडर लिया है 2 पाउचेस, और यहाँ मैंने लिप्टन की ग्रीन टी की लीव ली हैं, और इसे हम रोज़ वाटर के अंदर मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स करने के बाद आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है, और आप नोटिस करेंगे जो कॉफ़ी और ग्रीन टी की ग्रैनुअल्स हैं, उससे आपकी सारी स्किन बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट हो रही है और आपके सारे डेड सेल्स निकल रहे हैं। आपकी वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, सब पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। और आप इसको लगाने के बाद स्किन इतनी सपल हो जाती है, इतनी स्मूथ हो जाती है। बस आपको स्क्रब करना है टू ऑल द एरियाज, स्पेशली उन एरियाज़ पे जहाँ पे आपका एक्सेस ऑयल आता है। गाइज, ये एक्सफोलिएशन मास्क आपका होममेड मास्क है, तो इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं मौजूद हैं, बल्कि आप इसे आप हर दूसरे दिन कीजिए और देखिए आप आपकी स्किन में कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। आपको इसको अच्छे से अराउंड द नोज़, अराउंड द योर माउथ और आपकी फोरहेड पे, जहाँ जहाँ ऑयल आता है, अपनी चिन पे, चीक्स पे, अच्छे से इसे फिंगर मूवमेंट से आप इसे मसाज कीजिए, और आप नोटिस करेंगे, देखिए ये ड्राई हो गया है। अब मैं इसको वॉश करूँगी, और ये देखिए बहुत फेस क्लीन लग रहा था, और अब एक्सफोलिएशन के बाद फेस थोड़ा ड्राई होता है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे एलोवेरा बेस मॉइस्चराइजिंग मास्क, जिसमें मैंने एलोवेरा जेल लिया है, बनाना लिया है विच इज़ फुल ऑफ विटामिंस एंड मिनरल्स, कर्ड लिया है, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग, एंड हनी ऑल्सो अ वेरी गुड नेचुरल मॉइस्चराइजर फॉर योर स्किन। उसके बाद इन सबको ब्लेंड करने के बाद ये देखिए जो मेरे पास एक कमाल का नेचुरल नरिशिंग DIY मॉइस्चराइजर तैयार हुआ है। और यहाँ पे एक मैं फैंसी चीज़ ले रही हूँ, हमारा टिशू, ये हमारा मास्क टिशू है, इसको मैंने डिप करके रखा है करीब 10 मिनट के लिए और रेफ्रिजरेट रख दिया। और उसके बाद देखिए गाइस, जब मैं इसको अपने फेस पे लगाऊंगी, ओहो, इतना ठंडा ठंडा, इतना मज़ेदार, बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही इफ़ेक्टिव। अगर हम डायरेक्ट इसको अपने फेस पे लगाएं इस पैक को, तो ये बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। और मास्क पे लगाने का यही बेनिफिट है कि आप 2 घंटे भी इसको लगा के छोड़ देंगे, आप ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा और आपकी स्किन के अंदर बहुत अच्छे से पेनिट्रेट करेगा। यहाँ मैं मास्क को अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ, एंड मेक श्योर कि आप एक नैपकिन कैरी करें इसके साथ, ताकि जो भी वाटर वगैरह निकलेगा, जो आप मेरी गर्दन पे देख सकते हैं, उसे आप हटा दें। एंड ये देखिए, नेक्स्ट मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, मैं बिल्कुल अपना फेस देखने आई थी सन पे, बहुत अच्छा रेजुविनेटेड मास्क है ये, बहुत ज़्यादा टायरिंग था कल मेरा डे, एंड द रिजल्ट इज़ इन योर हैंड्स। थैंक यू सो मच गाइस।